गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अभी बज रहे सुबह के 11:30। आज मैं सुबह को गई थी म्यूजिक क्लास, उसके बाद में गई थी कंप्यूटर क्लास। तो वहाँ से आई हूँ, तो अभी मम्मी ने जो है वो लंच बना लिया है, लेकिन अभी एक डिश बनानी बाकी है, दाल। तो मम्मी ने बोला कि वो बाकी है, तो उन्होंने मुझे बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि वो भी दूसरे काम पे बिजी है तो मैं बना देती हूँ। तो चलो अभी हम लोग बनाएंगे दाल, तो आप देखना कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑनियंस कट कर लिया है, और यहाँ पे है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है, मैंने पूरा पेस्ट नहीं किया है, इसको थोड़ा सा पूरा रखने देना है, इससे पेस्ट अच्छा होता है। और यहाँ पे है दाल, तो मैंने दाल भिगो के रखा है, तो अभी इसको मसाले के साथ कुकर में एक ही साथ में सीटी बजाऊंगी। तो चलो पहले इसको धो लेंगे हम अच्छे से। तो मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है, और आपको पता है ये हमारे खेत का ही दाल है, तो हमने ये खरीदा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है विदाउट एनी केमिकल। तो पहले गैस को हम ऑन कर लेंगे। कितनी हवा आ रही है देखो फ्रेंड्स, आगे खिड़की है चूल्हे के सामने, और यहाँ पे देखो हमारे घर के पीछे गार्डन है, ये कुकर चला लिया मैंने, और गार्डन के आगे वहाँ पे नदी है, उधर देखो बहुत अच्छा व्यू है, मुझे बहुत पसंद है जगह। हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग को जाते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये खिड़की बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से हवा आ रही है बहुत, और गैस बुझ रहा है, आग नहीं जल पा रही अच्छे से। तो यहाँ पे तेज पत्ता मैंने धो लिया है, तेज पत्ता को भी धो के यूज करना चाहिए, फ्रेंड्स क्योंकि इसमें कचरा वगैरह हो सकता है। तो अभी ये कुकर गर्म हो गया है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, सरसों का तेल, वो भी खेत का ही है। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते थे पता है, सब लोग सब कुछ खरीद के ही खाते थे ऐसे पैकेज में, ठीक है ना, हर एक चीज पैकिंग में आता था हमारे घर पे। तो अभी हम लोग क्या है, फसल जो है ना वो खेत पे उगा के खाते हैं, तो पापा ने बोला है कि अभी पैकेज का जो सामान है हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग ऐसे फसल उगा के खाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा प्योर रहता है, इसमें कोई केमिकल नहीं रहती है, और इससे हेल्थ भी अच्छी रहती है, कोई डिजीज होने का जो है चांस बहुत ही कम रहता है। तो आप लोग भी हो सके तो ऐसा ही करना अगर पॉसिबल हो तो। गर्म हो गया, हम पहले तेज पत्ता डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, उसके बाद रेड ड्राई चिली है, ये बहुत ही तीखा है तो थोड़ा कम डालेंगे इसलिए। तो अब ऑनियन डाल देंगे। तो फ्रेंड रेड चिली के ना कई फायदे हैं, जैसे कि ये नर्व पेन को कम करती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज करती है, और ब्लड फ्लो को भी बढ़ाती है। तो सबसे बड़ी बात, हार्ट के जो पेशेंट है उनके लिए, जिनका ऐसा हार्ट अटैक से रिलेटेड, जिनको इमीडिएटली ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ना, और आपके पास कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो आप बस थोड़ा सा पानी में आप थोड़ा सा ये रेड चिली का जो पाउडर है ना, तुरंत आप इसको मिक्स करके पी सकते हो, तो वो हार्ट की जो प्रॉब्लम है ना तो कुछ हद तक कम हो जाएगी, और उसके बाद तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही है। पक गया, अभी ज़्यादा दिन नहीं पकाना है इसको, नहीं तो पूरी तरीके से जल जाएगा। अभी पक जाइए, तो अभी इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस इतना ही। मसाला ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ा कम कम। तो अभी थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, बस इतना चलेगा। तो अभी ये जो दाल है, अभी इसको डाल देंगे अंदर कुकर के अंदर, पानी ना रहे ज़्यादा तो अच्छा है, तो मेरा दिख रहा है फिर। तो इसको भी डाल दिया है, जो दाल है इसको अभी अच्छे से हिला लेंगे। ये दाल बहुत ही अच्छी आती है खाने में, इसको तड़का बनाते हैं, तो आज मैं तड़का नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा पतला ही बनाऊँगी दाल जैसा, तड़का काफ़ी काला रहता है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, उसके बाद पानी डाल देंगे, और आप चाहते हो तो दो ग्रीन चिल्ली भी दे सकते हैं इसमें, तो मैं दूंगी थोड़ा सा दूसरा चाहिए। तो अभी इसको और भी अच्छे से थोड़ा सा हिला लेंगे हम लोग, तो ये अभी अच्छे से फ्राई हो गया है दाल, तो अभी हम इसमें पानी मिला देंगे। अभी मैंने इसमें पानी डाल तो दिया है, लेकिन कितना थोड़ा कम या ज़्यादा ना हो जाए, काम करती मम्मी को बुलाती हूँ, देख लेंगे। तो मम्मी ने बोला है कि इसमें पानी काफ़ी है, तो सही है, अभी नहीं डालना है पानी। चलो अभी कुकर बंद कर देंगे। तो अभी ये
ग्रीन और रेड चिली को अच्छे से धो रही हूँ मैं। इसको मैं कट कर रही हूँ, अभी दो चार में डाल दूंगी, नहीं तो दिखाने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं होगा। तो अभी इसको अभी कुकर के अंदर डाल देंगे हम लोग। अभी कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले मैं डाल दूँगी, अभी तीखा बनेगा और बहुत अच्छा अभी मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे तड़का पसंद है। आप लोग भी बताना आप लोग को पसंद है क्या ये दाल का तड़का, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे शूट तो कर रही हूँ लेकिन आपको दिख रहा होगा अभी लाइट की वजह से ना अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि आगे है ना यहाँ से सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है। अभी देखो अभी दोपहर का टाइम है ना इसीलिए, तो अभी कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ। तो अभी मैंने दाल चढ़ा दी है, तो अभी मैं जाती हूँ अपने काम करने के लिए, या तब तक सीटी बजेगी और तब तक बन जाएगी, तो किसी को कह जाती हूँ वो बंद कर देगी, मेरी सिस्टर या मम्मी, तो चलो। तो फ्रेंड्स अभी मैं तब तक आपको कुछ दिखाती हूँ। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले 20-25 दिन हो गए होंगे शॉपिंग के लिए गई थी, तो वहाँ से शॉपिंग की ड्रेस वगैरह और भी बहुत कुछ, तो वहाँ से गिफ्ट मिला था। ये है तो यहाँ पे लिखा डिवाइन पुडिंग सेट, अच्छा 9 पीसेस टोटली, यहाँ पर क्या लिखा है 6 पीस बाउल 1 पीस सर्विंग बाउल विथ लीड, मतलब एक पीस में लीड है उसकी ढक्कन। तो मैं आपको तब तक गेस्ट दिखाती हूँ, इसको यूज़ नहीं किया है। ये देखो क्या मिला है, ये एक बाउल है, बड़ा है काफ़ी, मतलब नॉर्मल साइज में जो आता है ना बाउल, ये वाला देखो नॉर्मल साइज का, ये छोटा है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर ना छोटे छोटे डिजाइन भी है, काफी अच्छा लग रहा है। तो ये डिजाइन ना बाहर की तरफ नहीं है, ये बिल्कुल अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे टोटल 6 पीसेस है छोटे वाले जो बाउल है, ये देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक बड़ा वाला है, इसमें रखती हूँ, ये देखो। इसको यूज नहीं किया करेंगे कभी मम्मी को जब करना होगा। तो यहाँ पे एक बड़ा वाला स्पून मिला है ब्लैक कलर का, तो मैं शॉपिंग भी काफ़ी जाती हूँ तो ऐसा है कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, तो उसको रख देते हैं, अभी यूज़ नहीं है तो बाद में हो जाएगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे आगे 5 और एक 6, कोई गेस्ट वगैरह आएंगे, गेस्ट क्या हम खुद ही हम लोग गेस्ट है एक दूसरे के लिए, ठीक है ना, तो एक दूसरे के सब लोग केयरिंग करेंगे, खातिरदारी। तो और भी बहुत कुछ है मैं आपको दिखाऊंगी, और एक भी ऐसा तो नहीं, वाइट कलर का एक मिला है तो वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको और एक वीडियो भी दिखाऊंगी, तो आप लोग बताना कैसी है। तो चलो इसको हम अच्छे से पैकिंग में रख देते हैं, तो ये कांच का है तो थोड़ा इसलिए संभाल के इसको रखना पड़ता है, नहीं तो अभी टूट जाएगा, इधर उधर नहीं रख सकते ना इसको, सही चीज़ को सही जगह पर रखना चाहिए। तो इसको भी हम अंदर डाल देते हैं, तो जगह तो नहीं है, हाँ ये देखो इसके अंदर जगह है, इसको भी रख देते हैं, हमें बाद में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ये सीटी बज के देखो, अभी सीटी आएगा और क्या इसमें आ रही है क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी किचन से आ गई, अभी 2 मिनट रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद अभी 12:30 बजे तो फिर मैं जाऊँगी नानी को, क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे घर से निकल गई थी, पहले म्यूजिक क्लास गई, इसके बाद कंप्यूटर क्लास गई, तो घर आते थे 11:30 बजे और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो मैंने रखी, तो इसलिए मैं सुबह नहा नहीं पाई, जल्दी से निकल गई। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद फ्रेश होकर फिर हम लोग लंच करेंगे। तो आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने पहले से क्या क्या बना के रखा है, और मैंने एक ही डिश बनाई है क्योंकि वो दूसरे काम पर बिजी है, तो मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, उन्होंने कुछ बोला नहीं, ऐसे बोल के मैंने बस बना दी। तो चलो, तो अभी यहाँ पे देखो गाइस दाल बन गई है, ये देखो बहुत अच्छी बनी है, देखो। तो चलो अभी लंच कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मम्मी ने दोपहर को क्या क्या बनाया, यहाँ पे है एक साग, और ये मैंने जो दाल बनाई है तड़के वाली, और यहाँ पे और एक सब्जी बनी है, यहाँ पे लौकी है, आलू है और कुछ है सब्जी और भी, राइस के साथ ही खाऊंगी। दोपहर को मैं सिर्फ राइस ही खाती हूँ, रोटी नहीं खाती हूँ, मॉर्निंग को रोटी और ब्रेकफास्ट में जो भी बनता है खा लेती हूँ, और रात को रोटी, दोपहर को सिर्फ राइस।